आज हम लोग जा रहे हैं जीई से वैशाली। आप कॉलेज की बिल्डिंग को देख सकते हैं जो कि अभी से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कॉलेज तक पहुंचने के लिए पहले बिद्दूपुर स्टेशन पहुंचना होगा और उसके बाद चक सिकंदर तक जाना पड़ेगा जो कि बिद्दूपुर स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और चक सिकंदर बाज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आप पहुँचेंगे जीईसी वैशाली। ये बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है जो सामने दिख रही है। ये रहा हमारे कॉलेज का एंट्रेंस गेट। हम सामने देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एकेडमिक हॉल है और साथ में फील्ड भी जिसमें कोई भी कार्यक्रम होता है। हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक बिल्डिंग से। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये जीईसी वैशाली की एकेडमिक बिल्डिंग है जो कि कुछ दिन पहले ही जिसका अनावरण हुआ है। बिहार के बाकी जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो कि नए हैं उन सब की बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग ज़रूर है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है बाकियों की तरह ही। अब हम चलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर। ये एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर का दृश्य। ये कॉलेज का फैकल्टी लाउंज है जिसमें सारे टीचर्स मीटिंग्स होते हैं। एकेडमिक बिल्डिंग में बच्चों और टीचर्स की सुविधा के लिए लिफ्ट भी प्रोवाइडेड है। ये कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग के बीचों बीच की स्पेस है और यहाँ जनरली छोटे मोटे मीटअप्स होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉलेज के वर्कशॉप हॉल की तरफ। ये है कॉलेज की बिल्डिंग का वर्कशॉप हॉल जहाँ पे बच्चे लैब कर रहे हैं। हर तरह की मशीनरीज यहाँ पे प्रोवाइडेड होती हैं और जनरली लैब असिस्टेंट और बच्चे मिलकर ही काम करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की मशीनरीज प्रोवाइडेड हैं बच्चों को वर्कशॉप से रिलेटेड हर क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं कॉलेज की कैंटीन की तरफ। ये रहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का कैंटीन। कैंटीन का खाना का जहाँ तक बात करें बच्चों के रिव्यूज़ को लेकर तो कैंटीन का खाना काफ़ी बढ़िया है। सामने कैंटीन की शॉप दिख रही है जहाँ पे हर जंक फूड मिलता है जैसे कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट्स वगैरह। ये जीईसी वैशाली का मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि देखने में ही काफ़ी शानदार लग रहा है। कॉलेज का हर छोटा बड़ा इवेंट इसी मल्टीपर्पज़ हॉल में ही ऑर्गेनाइज होता है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है। बच्चों की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम लोग निकलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग से और चलते हैं हॉस्टल की तरफ। सामने हॉस्टल का एरिया है। राइट साइड की जो बिल्डिंग है वो गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी ऑक्यूपेंसी बॉयज़ हॉस्टल की तुलना में थोड़ी सी कम है। उसके बाद की जो बिल्डिंग्स हैं वो बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है।
अब हम लोग चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल के अंदर, देखते हैं कि अंदर का इंटीरियर, अंदर का माहौल कैसा है। ये हॉस्टल का रिसेप्शन है, अब अंदर चलते हैं। अंदर बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया है, छोटा सा प्लेरूम इसको बोल सकते हैं। और ये रहा बच्चों का कमरा, बेड, चेयर एंड टेबल।